हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 8 तारीख। हाँ, आज है 8 तारीख। और आज हम जा रहे हैं थोड़ा सा कुछ कन्नू के लिए। अभी तक हम कपड़े नहीं ले पाए हैं, कपड़े लेना बहुत ज़रूरी है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मतलब ऐसा वाला सीन हो गया है कि बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही है जाने की, बट जाना ज़रूरी है, मेरे बिना काम नहीं होगा। मैं इनसे यही कह रही थी, मैं पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरे 5 दिन हो गया है घर से निकलने का मन नहीं कर रहा, 4-3 दिन हो गया है। और अदरवाइज़ ये भी जानते हैं कभी ऐसा नहीं होता कि बाहर के काम के लिए, शॉपिंग करने के लिए तो मैं हमेशा ऐसे तैयार खड़ी रहती हूँ कि नहीं यार शॉपिंग करने चलना है, बट अभी ये वाला सीन हो गया है कि बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कुछ भी करने की। तो अभी हम जा रहे हैं और सबसे पहले हम जाएंगे अभी किसके ज्वेलर्स के यहाँ, उसके बाद में कुछ काम और है, हम वहाँ जाएंगे। शॉपिंग करनी है, गन्नू के लिए ड्रेस लेनी है, इनके लिए ड्रेस लेनी है, देखते हैं जल्दी जल्दी से कहाँ से अच्छी ड्रेस मिल जाती है। और मैं आप लोगों के अभी कमेंट पढ़ रही थी, आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और बहुत सारे लोगों ने मुझे मतलब फेसबुक पे, इंस्टा पे, हर जगह विश किया है, थैंक यू सो मच। और कृति दी ने तो मतलब फेसबुक पे एक पेज बना रखा है ऋषिकेश फैन क्लब करके, और उन्होंने इतनी सारी विशेज की, इतनी सारी फोटोज डाली है उसके, थैंक यू सो मच। सच्ची बड़ा अच्छा लगता है जो आप लोग इतना प्यार करते हो। और मैं वही मैसेजेस पढ़ रही थी, मैंने अपने स्टेटस पे सब कुछ लगाया था, सबके मैसेजेस कोशिश करी थी मैं लगा दूं, और बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। वो देखो मुझे वहां से देख रहा है ऐसे करके, चले चलो चलो जा जा चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी बाल भी रही थी कॉम गेस के। अरे इसके बाल आते हैं ना कान, इसीलिए इसको इतनी खुजली होती है बेचारी को, क्या करें। कल 2 दिन और होगा, कल तुम टकलू हो जाओगी, परसों 2 दिन और। सेम नहीं है, अच्छा तो लग रहा है, चिपकाया गया तो फिर निकल गया। हाँ ये इसके पहले भी चिपका था, आपको लग रहा है लगवा भी रहा है प्यार से। नहीं नहीं अब दे दो अंकल को, वो देखो बैठा अंकल को देख रहा है। ये सुंदर तो ये भी है, ये बहुत प्यारा लग रहा है, ये पहनने का तो अच्छा लगेगा। एक बात तो है, सोने की शॉप पे घुसो कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ तो लगता है कि ले ही लो आए तो। अच्छा तो सोना सस्ता होने का अंकल कुछ है कि होगा या नहीं होगा अभी, क्योंकि इधर हम 2-3 महीने से देख रहे हैं हो ही नहीं रहा सस्ता है। हाँ तो अभी हम लोग आ गए अभिषेक ट्रेडर्स, जहाँ से इनके कपड़े लेने हैं, और बाकी हमने थोड़ा बहुत सामान लिया है, घर चल के आपको दिखाएंगे। एक्चुअली मैं ऐसा हो गया कि मतलब मेरी तबीयत ठीक थी, ख़राब हो गई, डेट्स आ गई, और इस टाइम एक्चुअली 1 हफ्ते पहले आ गई, तो मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। एक होता है ख़राब, एक होता है बहुत ही ज़्यादा ख़राब। और उसके बाद से ऐसी हो रखी है कि 2 दिन से मैं कहीं जा नहीं पा रही हूँ। आज हमने करी है शॉपिंग, लेकिन हर बार मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ, लेकिन इस बार मैं अपनी शॉपिंग आपको नहीं दिखाने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी दिखा दूँगी फिर आप लोग बाद में क्या देखोगे। चलो थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ, पानी है, चलो थोड़ा सा इनके पीछे। और आज तो भैया, आज तो क्यों जी
खुश तो बहुत हो गया आज तुम। काय बताऊं? अरे खुश तो हो यार। मैं खुश तो हूँ लेकिन बताऊं काय? बता दो सबको, बताओ क्या मिला? बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है उसका। तुमने तो मुझे छोटू सा गिफ्ट दिया। छोटू सा था वो, लेकिन वो मुझे बहुत पसंद था। बात गिफ्ट की पैसों से नहीं वैल्यू होती, बात ये होती कि आप उसको वो दो जो उन्हें बहुत पसंद हो। मुझे वो बहुत पसंद है। और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ हमारी छोटी मोटी शॉपिंग। सारी चीज़ें हम अपनी नहीं दिखाएंगे, दिखा देंगे तो फिर आप लोग बर्थडे पे क्या देखोगे। आज हमारा ड्रेसेस का पूरा हो गया। आज हम लोगों ने ड्रेस ले ली है, गन्नू के लिए हमने ड्रेस ली है और बहुत क्यूट लग रहा था गन्नू। बस ऊपर से थोड़ा सा पहना के देखा था, बहुत 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 ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और भी बहुत कुछ लिए है तो रुको, चलो हम आपको दिखाते हैं। कुछ चीज़ें हम आपको दिखा देते हैं, कुछ चीज़ें आपको हम बाद में दिखाएंगे। ऐसे ऊपर खोलो मत, ऐसे दिखा दो ना। क्या भी बना लेगा, देख के जाएगा। अरे नहीं यार, घर के लोग हैं तो ऊपर से सभी दिखने की बोल रहा। कपड़े नहीं दिखा रही, कपड़े ऊपर से दिखा रही हूँ, बाकी आपको वो दिखा रही हूँ जो आज इनको गिफ्ट मिला है। गिफ्ट तो दिखा दो। वो यहाँ नहीं है। कहाँ है? लाओ अंदर। तो लाओ, कहाँ रख दिया आपने? ये देखो तो ज़रा, ये देखो, फटाक से अंदर रख के आ गए। तो मैं दिखाती हूँ, ये है मियाँ जी का, ठीक है। और मैं अपने लिए लेके आई हूँ साड़ी। और ये देखो, ये है मेरी साड़ी जो आप देखोगे मुझे पहने हुए। और मैं आपको अपना फुटवेयर दिखा देती हूँ, मैं अपने लिए फुटवेयर भी लेके आई हूँ। और क्योंकि मेरे पास, आप जानते हो मैं हील्स पहनती नहीं हूँ, तो मेरे पास हील्स नहीं थी। तो ये है मेरा फुटवेयर और ये तो दो लोगों लेके आई हूँ, तो आपको दिखाई दूँगी। और इसमें है दो ड्रेस गन्नू की, एक ये ड्रेस है गन्नू की जो गन्नू सुबह पहनेंगे। बस ये कलर है, ठीक है। और कोशिश करी है कि हम इसको मैचिंग में अपने सारी चीज़ों को कर पाएँ। और अभी हमें पैकिंग भी करनी है और कल हम लोग जा रहे हैं इलाहाबाद। और कल जाएंगे इलाहाबाद क्योंकि परसों हमें गन्नू का मुंडन कराना है। परसों गन्नू के बाल उतरवाने हैं, बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो बद्दे में अपने उसके बाल ना रहें, बट कोई बात नहीं है। और इसमें है गन्नू की बर्थडे ड्रेस, तो जिसको देख के आप लोग ये समझ जाओगे कि वो एक सूट पीस है। लेकिन किस कलर का है, कैसा है, ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से आप बर्थडे वाले दिन देखोगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। और बहुत अच्छा लगा हमें गन्नू के लिए, बहुत अच्छा लगा। और बाकी चलो और भी चीज़ें हैं वो हम आपको दिखाते हैं। ओहो, ये है पोटली, हीरे मोती जड़ी। चलो खोलिए खोलिए। और इस बार हम कुछ देख के आए हैं जो हम दोनों को लेना है, लेकिन जल्दी लेंगे। क्यों जी? सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ से शुरू करा। हाँ देखो, सबसे पहले तो हम आपको दिखाते हैं, ये हैं पायल। अभी से ही देख लेंगे सब लोग तो सबको पता रह जाएगा। तो ना दिखाए? नहीं नहीं दिखा दो, मन्नू जान जाएगी ना, जाती कहेगी चाची मेरी पायल दो। ये हम मन्नू के लिए पायल लेके आई हैं जो मुझे बहुत प्यारी लगी और बहुत ज़्यादा अलग सी डिज़ाइन लग रही थी। ये बीच में रहेगी, हाँ वो बीच में रहेगा, मतलब ये बीच में रहेगी। और ये इस तरीके से पायल है जो काफ़ी अच्छी लग रही थी। बच्चों की वैसे तो छमछम वाली होती है, लेकिन मैंने उसके लिए फिर ये वाली पायल ली। उसका बर्थडे था अभी 4 तारीख को, तो हम बर्थडे में नहीं जा पाए थे, तो उसके बर्थडे के लिए मैंने उसके लिए पायल ली है जो बहुत प्यारी लग रही थी। तो ये है हमारी मन्नू के लिए पायल। और मुझे पता है मन्नू देख भी लेगी क्योंकि सारे वीडियोज़ देखती है मन्नू हमारे। जाती कहेगी आंटी मेरी पायल। और अब देखिए, ये एक्चुअली मेरा बहुत मन था गन्नू को कि, बहुत मन है मेरा गन्नू को कि मैं एक राजकुमार की तरीके से उसका जो सुबह में होता है पूजा होती है और उसको जो राजकुमार को जैसे नहलाया जाता है, सब किया जाता है, मेरा बहुत मन था कि मैं गन्नू के लिए ऐसा कुछ करूं। तो उसके लिए चाहिए था एक छोटा सा मुकुट, बहुत ही प्यारा सा। तो मैं ये मुकुट लेके आई हूँ गन्नू के लिए। बहुत ढूंढा हमने, अच्छे मुकुट नहीं मिल रहे थे। जैसे कि आपने एक दो मुकुट देखे भी थे वो हमें कम पसंद आए थे, तो ये मुकुट हमें बहुत 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 पसंद आया। और ये फील एक दे रहा था राजकुमार वाला। ये हमें मिला था भूतनाथ के हीरा पन्ना ज्वेलर्स। ये है भूतनाथ पे ज्वेलर्स हैं हीरा पन्ना,
उनके यहाँ से लेके आए हैं। बहुत अच्छे अंकल हैं, जैन अंकल थे वो, जैन अंकल हैं, उनका वो है शोरूम है, ज्वेलर्स हैं, बहुत अच्छा है। उनका कलेक्शन भी बहुत 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 पसंद आया हमें। ये है ये मुकुट, और आई होप आप लोगों को ये मुकुट इसका पसंद आ रहा होगा, और हमें बहुत पसंद आया। मेरा मतलब एक या दो महीने से मेरा एक सपना था कि मैं गन्नू को इस तरीके से मुकुट पहनाऊं और उसको जब उसका मतलब अभिषेक करूं, सुबह में उसे तैयार करूं तो उसके बाद उसे मुकुट लगाऊं, तो है ना। आप लोग प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि आपको ये मुकुट कैसा लग रहा है, और आप लोग भी ऐसा कर सकते हो अगर आपको अपने बच्चे के लिए कुछ ऐसा लेना है। बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं, ये बहुत प्यारा है। हाँ, और अब मैं दिखाती हूँ कि हमारे पति देव के लिए हमने क्या लिया है सबको। यस, लाइए लाइए। एक्चुअली मैं मुझे सोने में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये आपकी एक सेविंग भी होती है और साथ ही साथ आपकी चीज़ें तो आपके पास जमा हो ही जाती हैं। तो ये इनके लिए हमने ली है चेन इस तरीके से, ये हाँ ये, तो बताइए ये बेटे का ये और मम्मा का कुछ नहीं। मम्मा का कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं लेती। अंगूठी आप लोगों ने देखी होगी, मेरे पास एक भी अंगूठी नहीं है। है नहीं अंगूठी, पहनती नहीं है, पहनने का शौक नहीं है, है नहीं, ऐसा नहीं बोला। अच्छा, वो तुमने ये नहीं बोला पहनने का सुरूर नहीं है। हाँ। यार मेरे पास 3-4 ही अंगूठी होंगी, पर मेरे पास है भी नहीं ज़्यादा, मेरे को पसंद नहीं है ना, इस वजह से मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं आ गई तो मुझे ज़्यादा नहीं पसंद आता, पता नहीं क्यों। तो मेरा बहुत मन था इनके लिए चेन लेने का, और हमें ये लगता है कि थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट, मुझे पसंद है सोने में इन्वेस्टमेंट करना, तो मैं, मेरे को जब लगता है तो मैं सोने में करती हूँ। और बस इन्होंने अपनी चेन लगा दी है, दिखाइए अब। तो ये है इनकी चेन, ये है काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये देखो, ये ज्वेलर्स हैं, हीरा पन्ना ज्वेलरी शॉप, ये जस्ट स्टार्टिंग में ही पड़ती है। और आप लोग बताइएगा प्लीज़ चेन कैसी लग रही है, मुझे चेन काफ़ी अच्छी लगी थी। और अभी हम दोनों ने ब्रेसलेट एक्चुअली में देखा था, लेकिन अभी थोड़ा सा आउट ऑफ बजट था इसलिए नहीं लिया है। और ब्रेसलेट की जगह ये हो गया कि फिर चलो चेन ले लेते हैं, मतलब ये वाला सीन हो गया। और अभी हम लोग सोच रहे थे कुछ कि हम अपना एक दूसरे का एक जैसा ब्रेसलेट बनवाना है, उसका ऑर्डर दे देंगे, 15-20 दिन में आ जाएगा, अभी नहीं थोड़े दिन बाद दे देंगे, मतलब धनतेरस पे सोच रहे थे कि तब दे देंगे। तो एक जैसा ब्रेसलेट हम दोनों बनवाएंगे जिसमें हम हिराची लिखवाएंगे, मतलब ना इनका नाम ना मेरा नाम हिराची। अगर मेरा मन है कि हम 3 बनवा लें बाबू के लिए भी, लेकिन अभी तो 2 से काम चला लेंगे। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि ये मुकुट आपको कैसा लग रहा है। बड़े भी पहन सकते हैं। हाँ क्यों नहीं पहन सकते, तो मेरे लिए भी ला सकते थे, मुझे प्रिंसेस वाली फीलिंग दिलाने के लिए। पहन लो, तो मैं अपने बच्चे के लिए लेके आई हूँ। करो स्माइल, दो चैन भी पहन लो। मैंने दो इतना सोना पहन के मैं कहाँ जाऊँगी। लेकिन एक बात तो है, मुझे लगा था कि शायद मैं नहीं ले पाऊंगी बिकॉज अच्छे नहीं मिल रहे थे, लेकिन फिर ये वाला जो दिखाना, ये बेस्टम बेस्ट लगा मुझे, और काफ़ी अच्छा है। आप लोग बताना प्लीज़ कैसा लग रहा है। और ज़्यादा चीज़ें तो मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि आप देख रहे हो तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी करके उसी चीज़ें मैं कर लेती हूँ कि हाँ चीज़ें पूरी हो जाएं और हमें भी अच्छा लगे। और बस अभी गन्नू के बर्थडे की बहुत सारी तैयारी करनी है, बजट में रह के हमें तैयारी करनी है, तो इसी वजह से चीज़ें थोड़ी सी बजट में करके मैं कर रही हूँ कि आगे भी मुझे काम आ जाएँ और बहुत ज़्यादा पैसे ना खर्च हों। थोड़ा थोड़ा बचा के हम लोग काम कर रहे हैं। और अरे हाँ, बचाने से याद आया, खर्चा तो दिखाने से एक्चुअली मेरे पास सैंडल नहीं थी, इसलिए मुझे ये सैंडल लेनी थी। और ये मैंने सैंडल ली है जो काफ़ी प्यारी सैंडल है, और मेरे नाप की जल्दी मिलती नहीं है, मेरा पैर बहुत छोटा है, मतलब 5 नंबर है, और साथ ही साथ में कम्फर्टेबल नहीं मुझे मिलती है, क्योंकि बाबू को लेना होता है और आप लोग को पता है मैं हील्स बहुत कम पहनती हूँ। ये सैंडल मैंने मतलब अपनी साड़ी की मैचिंग के लिए है, जो बहुत प्यारी लग रही थी। और इस टाइम इसमें ये था, ये मैंने अभिषेक ट्रेंड से ही ली है, और इस टाइम इसमें ऑफ चल रहा था तो मुझे काफ़ी अच्छे रेट पे भी मिल गई थी, तो मुझे अच्छी लगी। तो ये सैंडल बताइएगा कैसी लग रही है। ये सैंडल मुझे काफ़ी अच्छी, मतलब मुझे पता है इससे बहुत अच्छी अच्छी सैंडल्स आती हैं, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम किसी और शॉप पे जाते देखते, अब मुझे सामने दिख गई थी तो मैंने फटाक से ले ली। मैंने कहा चलो लेनी तो है ही तो ले लेते हैं, 37 नंबर इसकी ही ब्लॉक ही, और ये बहुत कम्फर्टेबल है, सबसे अच्छी चीज़ है बहुत कम्फर्टेबल है, इसलिए मैंने ले ली। और क्या जी,
अभी देख रहे हैं ना ये पूरा कमरा फैला पड़ा है। अभी हम लोगों को पैकिंग करनी है, पैकिंग के साथ साथ ही बहुत और भी काम करने हैं। इस बार हमें बहुत सारा सामान लेके जाना है और हम आपको शॉपिंग भी नहीं दिखा पाए जो हम अभी करके लाए थे। काफ़ी अच्छी शॉपिंग हमने करी थी जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। दिखा देंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाएंगे। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। अभी हम लोगों को ना बहुत सारे अभिषेक के यहाँ से हमने सारी शॉपिंग करी है, बहुत सारी शॉपिंग वो तैयारी करनी है, पैकिंग करनी है, बहुत कुछ करना है क्या। और बाकी आई होप आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। और शॉपिंग कैसी लगी आप प्लीज़ बताइएगा। और भी कुछ अगर आप एडिशनल इसमें बताना चाहते हो तो प्लीज़ बताइएगा। अनु के बर्थडे के लिए हम क्या क्या करें, हम सारी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन अभी हम इलाहाबाद में कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत तो चीज़ें छोटी हो सकती हैं, लेकिन कोई बात नहीं। वहाँ जब हमारे सारे अपने होंगे तो चीज़ें कम भी होंगी, लेकिन हमारे लिए वो पल बहुत अच्छा होगा क्योंकि बहुत अच्छा लगेगा वहाँ दादी चाचा चाची बुआ मौसी मामी जितने लोगों को आसपास रहेंगे हम बुला सकते हैं, सबको बुलाएंगे और बहुत अच्छा लगेगा। हम मिलाएंगे आपको अपनी सारी फैमिलीज से, सारे रिलेटिव से। एक्चुअली मेरा ये बहुत टाइम से मेरा मन था कि मैं गन्नू का बर्थडे इलाहाबाद में ही मनाऊं। कुछ वजह से हमारा कैंसिल हो रहा था, लेकिन मैंने वो कैंसिल नहीं होने दिया क्योंकि मैं चाहती हूँ गन्नू का बर्थडे उसकी पूरी फैमिली एक साथ रह के मनाए और उसको हर किसी की ब्लेसिंग मिले, दादी दादा हर किसी की ब्लेसिंग मिले। इस वजह से हम उसका बर्थडे इलाहाबाद में मनाएंगे और मैं वहाँ बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और बस अब ये वाला ब्लॉग ही फायदा को मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय। मीशो ऐप इंडिया का नंबर वन रिसेलर ऐप है और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से। आपको उस लिंक पे जाके उसे डाउनलोड करना है, उसके बाद करना है साइनअप। साइनअप करने के बाद में आपको उस पे बनाना है अपना एक अकाउंट और आप बन जाएंगे अपने खुद के बिजनेस के ओनर। और आप यहाँ पे कर सकते हैं हजारों आइटम को रिसेल। रिसेल यानी कि आप वो आइटम मीशो ऐप से खरीद के अपने दोस्तों को बेच सकते हैं। आप चाहो तो उसे डायरेक्ट वहां पे अपने दोस्तों को भेज सकते हो और जो बहुत ही अच्छा हैंडसम जो कमीशन है वो आप उसे कमा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मीशो ऐप का लिंक दे दिया है, आप उसे डाउनलोड करिए। और साथ ही साथ अगर ये आप अपने दोस्तों को शेयर करते हो तो वो जितना भी उसके ऑर्डर्स लेते हैं वो आपको मिलती है उसकी कमीशन। जल्दी से मीशो ऐप डाउनलोड करिए और अपने दोस्तों के साथ में उसे शेयर जरूर करिए।